दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने दो कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जो कि 1 साल वैलिडिटी के साथ और 6 महीने वैलिडिटी के साथ है। इसमें आपको वीडियो कोर्स के साथ साथ पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और काउंसलर द्वारा इसका सॉल्यूशन मिलेगा। यूट्यूब पे आप प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को सिस्टमेटिकल ऑर्डर से भी देख सकते हो, और अगर पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहो तो आप हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल को डाउनलोड कर लें। इसके अलावा फ्री नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन के जो 3 डॉट है उसमें आपको स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप फ्री नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेलिटीज के सॉल्यूशन के बारे में, यानी कि प्राइवेट रिस्पॉन्स, बार्गेनिंग एंड दी केस थ्योरम। तो प्रोफेसर केस को इस थ्योरम के लिए या इस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था, और ये थ्योरी क्या कहती है मैं आपको पहले सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ, उसके बाद जो इकोनॉमिक्स टर्मोलॉजी होगी वो समझा देता हूँ मैं आप बच्चों को। तो ये थ्योरम ये कहती है हमें कि अगर मान लीजिए दो लोग हैं, एक वो जो एक्सटर्नलिटीज क्रिएट कर रहा है और दूसरा जो वो जो एक्सटर्नलिटीज की वजह से इफेक्टेड है, अगर वो आपस में दोनों बार्गेनिंग कर लें, और बार्गेनिंग के लिए जरूरी है कि प्रॉपर्टी राइट डिफाइन हो, यानी कि ये पता हो कि ये जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, तो यहाँ पर आपका बिना किसी गवर्नमेंट के इंटरफेयर के आसानी से एक्सटर्नलिटीज की समस्या को दूर किया जा सकता है। यानी कि ये थ्योरी क्या कहती है कि वंस दी प्रॉपर्टी राइट आर डिफाइंड या स्टेबलाइज, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू डील विद दी एक्सटर्नलिटीज। तो देखिए, यहाँ पर दो बातें जरूरी है, एक तो डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट होना चाहिए, यानी कि ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी किसकी है, जो एक्सटर्नलिटीज क्रिएट कर रहा है उसकी या जो एक्सटर्नलिटी की वजह से अफेक्टेड है उसकी, ठीक है। और उस केस में अगर प्रॉपर्टी राइट स्टेबलाइज हो जाता है तो दो लोग हैं या दो से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं, यानी कि कुछ ही लोग होंगे, तो वो आपस में अगर डील कर लें तो एक्सटर्नलिटीज की जो समस्या है या उसका जो प्रॉब्लम है उसको हम दूर कर सकते हैं बिना किसी गवर्नमेंट इंटरफेयर के, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट है। तो एक बार आप अपने स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर हमने केस थ्योरम के बारे में एक छोटा सा डेफिनेशन लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर नेग्लिजिबल, यानी कि अगर हम ये मान लेते हैं कि जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो जीरो है, एन एफिशियंट सोल्यूशन टू द एक्सटर्नलिटीज प्रॉब्लम इज अचीव्ड एज लॉन्ग एज समवन इज असाइंड प्रॉपर्टी राइट, यानी कि अगर किसी ने किसी को प्रॉपर्टी राइट दे दिया जाए तो हम जो एक्सटर्नलिटीज की प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं बिना किसी गवर्नमेंट के इंटरफेयर के, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ हु इज असाइन दोज राइट। तो यहाँ पर हम इसको समझें, इस टॉपिक को पूरे के पूरे को समझें, कुछ बेसिक अजम्पशन है जो आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि द कॉस्ट ऑफ दी पार्टीज, यानी कि जो बार्गेनिंग की जो कॉस्ट है वो जीरो है या बहुत कम है, ठीक है। दूसरा, कम पार्टी है, ताकि क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पार्टी होंगी तो बार्गेनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। इसके अलावा द ऑनर ऑफ द रिसोर्सिस कैन आइडेंटिफाई द रिसोर्स ऑफ डैमेज, यानी कि सोर्स ऑफ डैमेज, यानी कि जो ऑनर है प्रॉपर्टी का उसको पता है कि किसकी वजह से प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, और वो उसके पास लीगली राइट है कि वो अपने डैमेज का कंपनसेशन ले सके। तो यहाँ पर दो बातें आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। सबसे पहले तो बार्गेनिंग कॉस्ट बहुत कम है पार्टीज के बीच में, और आइडेंटिफाई कर सकता है किसने डैमेज किया है प्रॉपर्टी को, और उसके लिए उसको लीगल प्रिवेंशन मिला हुआ है कि उसके लिए वो कर सकता है। तो यहां पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, पर हम वही एग्जाम्पल ले रहे हैं जो हार्वे आर रोजन की बुक में दिया हुआ है। तो यहां पर हमने दो लोगों को मान लिया, यहां पर एक हमारा है लीसा बार्ट और दूसरा है लीसा। तो पिछली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि बार्ट जो है वो एक फैक्ट्री चलाता है जो कि रिवर के किनारे पर है, और वो जो अपना कचरा है या जो अपना भी जो वेस्ट है वो नदी में डालता है, और लीसा वो है जो मछली का काम करती है, मछली पालने का काम करती है, और उसकी वजह से क्योंकि जो बाट है वो नदी में डाल रहा है बिना वाटर प्योरीफाई किए हुए, तो नदी में डालने की वजह से उसकी जो मछलियां मर रही हैं वो इसके लिए एक्सटर्नलिटीज का काम कर रही है, ठीक है। तो बाट और लीसा दो एग्जांपल दें। साथ ही साथ पिछले वीडियो में हमने आपको डायग्राम भी समझाया था, तो एक बार वो डायग्राम मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो समझना है वो ये समझना है कि ये हमारी मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट है, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट, या इसको मार्जिनल डैमेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ये हमारी मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है जो कि सहनी पड़ती है किसको, बाट को, क्योंकि बाट प्रोडक्शन कर रहा है ना इसलिए। और इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये जो है दिस वन, ये मार्जिनल सोशल कॉस्ट है, ये किससे मिलके बनी है, ये बनी है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस मार्जिनल डैमेज से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा पिछली वीडियो से ही। और यहां पर आप देखिए ये जो है, ये जो कर्व है ये मार्जिनल बेनिफिट को दिखा रहा है। तो इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन होगा आपको पिछली वीडियो में बताया था वो यहां पर होगा जहां पर मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट बराबर है, क्योंकि बाट को क्या फर्क पड़ता है कि सोसाइटी को कितना नुकसान हुआ, उसको तो अपनी कॉस्ट और अपने बेनिफिट से फर्क पड़ता है।
ठीक है, तो ऑप्टिमम लेवल की बात हम नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं Q1 की, यानी कि इतना वो प्रोडक्शन करेगा। लेकिन सोशली जो ऑप्टिमम लेवल है, इसको हम नाम दे देते हैं, चलिए A दे देते हैं, बुक में कुछ और लिखा होगा तो उससे कोई कन्फ्यूज नहीं लीजिएगा, और इसको हम बोल देते हैं B पॉइंट। ठीक है, नाम में कोई इतना इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो क्यू स्टार है, यानी कि ये सोशल ऑप्टिमम लेवल है, ये सोशली ऑप्टिमम लेवल है, और ये प्रॉफिट मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो सोशल ऑप्टिमम लेवल है वो ये है, यानी कि क्या बिना गवर्नमेंट के इंटरफेयर किए यहां पर पहुंचा जा सकता है। देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा सारा का सारा, यानी कि क्या हम यहां पर पहुंच सकते हैं, ये हमारा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। तो यहां पर एक सॉल्यूशन दिया, जो केस थ्योरम है उसमें सॉल्यूशन बताया हुआ है कि बिना गवर्नमेंट इंटरवेंशन के भी यहां पर पहुंचा जा सकता है अगर प्रॉपर्टी राइट डिफाइन कर दिया जाए। तो यहां पर हम प्रॉपर्टी राइट डिफाइन करने का मतलब क्या है कि देखिए, हम यहां पे दो कंडीशन लेके चलेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि प्रॉपर्टी राइट जो है वो बाट को दे दिया जाता है, यानी कि जो उस व्यक्ति को दे दिया जाता है जो पॉल्यूशन फैला रहा है। दूसरा मान लेंगे हम ये कि प्रॉपर्टी राइट जो है लीसा को दे दिया जाता है। तो बार्गेनिंग किस तरीके से होगी उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बार्गेनिंग करने के लिए जरूरी क्या है, देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं। यहां पर दो व्यू है, सबसे पहले आप हम उसकी बात करते हैं, बाट की बात करते हैं। ठीक है, बाट कह रहा है कि अगर देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर वो अपना प्रोडक्शन यहां से लेकर यहां पर आता है, यहां से लेकर यहां पर आता है, तो उसको इतना प्रॉफिट का लॉस होगा, इतना लॉस होगा। आप ग्रीन से देख रहे होंगे, इतना लॉस होगा। ये किसका लॉस हो जाएगा? बाट का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाट को लीसा कंपनसेट कर दे, यानी कि इस हिस्से को बार्गेनिंग करें और वो बोले कि भाई मेरे को इतना लॉस होगा, तो या तो मुझे इससे ज्यादा दो या एटलीस्ट इसके बराबर दो, तो मैं प्रोडक्शन लेवल को यहां पर ले आऊंगा। ओके, हो गई बात। इसका मतलब क्या हुआ कि बाट जो है वो क्या कहेगा कि मुझे क्या चाहिए, इस हिस्से का जो लॉस हुआ है, जो ग्रीन एरिया से आपको लॉस दिख रहा है, मुझे उसको कंपनसेट कर दो। लेकिन लीसा कंपनसेट तब करेगी जब पॉल्यूशन घटाने से उसका जो बेनिफिट है वो इस लॉस वाले हिस्से से ज्यादा हो। तो एक बार हम उसका बेनिफिट देख लेते हैं। बेनिफिट के लिए हमें बिल्कुल ऊपर लाइन डालनी पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब अगर प्रोडक्शन जो है वो यहां से यहां तक आता है, तो ये जो एरिया है, दिस एरिया, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये लॉस हो रहा है उसको। और यहां पर आने के बाद ये जो ब्लू, ये वाला एरिया भी, यानी कि अगर हम इस एरिया को एक्स बोल दें और इसको वाई बोल दें, तो जो एक्स एरिया है वो लॉस हो रहा है, लेकिन एक्स और वाई जो है वो गेन होगा। किसको होगा गेन? लीसा को, अगर वो अपना जो, अगर वो अपने प्रोडक्शन लेवल को यहां पर ले आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में बार्गेनिंग पॉसिबल है, क्योंकि लीसा का जो एरिया है वो बाट के एरिया से ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर हम इकोनॉमिक टर्म में समझे, तो बार्गेनिंग की कंडीशन ये है कि जो मार्जिनल डैमेज होगा वो ज्यादा होना चाहिए किससे? मार्जिनल बेनिफिट माइनस मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट से। ये, और कब तक होगी बार्गेनिंग? जब तक कि ये बराबर नहीं हो जाते, यानी कि इस केस तक तो बार्गेनिंग हो सकती है, इसके बाद बार्गेनिंग नहीं होगी। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि लीसा ऑफर करती है कि आप अपना प्रोडक्शन ना ही करो, बिल्कुल भी प्रोडक्शन मत करो। तो उस केस में देखिए क्या होगा कि उसको ये सारा का सारा एरिया कंपनसेट करना पड़ेगा, यानी कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है वो कंपनसेट करना पड़ेगा। लेकिन इतना कंपनसेट करने की स्थिति में वो है ही नहीं। ठीक है ना, तो कंपनसेशन करने की कंडीशन क्या है कि जो मार्जिनल डैमेज है वो मार्जिनल बेनिफिट। और देखिए यहां पर, अब देखिए इस पॉइंट पर, आप अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर आ जाते हैं, इस लेवल पर आ जाते हैं, ए पॉइंट पर आ जाते हैं, तो इस केस में मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट जो है वो जीरो है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी, बेनिफिट और प्राइवेट कॉस्ट बराबर बराबर है, क्योंकि मार्जिनल डैमेज ज्यादा है तो बार्गेनिंग के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। तो इस पूरे के पूरे डायग्राम के थ्रू आपको यह बताया जा रहा है कि अगर दोनों आपस में बैठ के बात कर लें और जो नुकसान हो रहा है उसको कंपनसेट कौन कर दे? लीसा कर दे, तो आराम से इस लेवल पे आया जा सकता है। यानी कि इसमें हम प्रॉपर्टी राइट किसको दे रहे हैं? ये जो प्रॉपर्टी राइट है हमने सारा का सारा ये जो है वो बाट को दिया हुआ है। अगर मान लीजिए हम प्रॉपर्टी राइट लीसा को दे देते हैं, ठीक है, कंसेप्ट वही है, लीसा को दे देते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर बाट प्रोडक्शन करता है तो उसे किसको कंपनसेट करना पड़ेगा? उसे कंपनसेट करना पड़ेगा लीसा को, यानी कि जितना डैमेज हुआ है। अब देखिए यहां पर आप समझिए, जैसे ये जो डैमेज है इसके बराबर उसे कंपनसेट करना पड़ेगा, ये जो मार्जिनल डैमेज है ये वाला हिस्सा है। ठीक है, अब यहां पर मार्जिनल डैमेज को अगर वो कंपनसेट करता है तो डेफिनेटली जो उसकी जो लाइन है, आप समझिएगा, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट में अगर हम ये मान लेते हैं कि वो मार्जिनल डैमेज के बराबर कंपनसेट करता है, तो इसका मतलब उसका जो लाइन बनेगी वो मार्जिनल सोशल कॉस्ट के बराबर ही हो गई। आप समझिए मेरी बात को, कि अगर मान लीजिए मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट में अगर हम कहें कि बाट जो है वो जितना भी प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि हमने माना है
कि हम जो जो लॉस हुआ है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब लीसा को आइडेंटिफाई कर सकती है कि बार्ट प्रोडक्शन करने पर उसे कितना नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रोडक्शन पहुंचा रहा है इसका मतलब ये जो है ये लॉस हुआ, ठीक है। इतना कंपनसेशन कौन मांगेगी? लीसा मांगेगी। तो डेफिनेटली ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये ही बन जाएगी मार्जिनल डैमेज की, यानी कि उसकी जो कॉस्ट है, तो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट उसकी ये वाली बन जाएगी, और इस वाले लेवल तक वो कंपनसेट करता रहेगा, यानी कि इस लेवल के बाद वो कंपनसेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो बेनिफिट से उसकी कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब दोनों ही केसेस में इस वाले लेवल पर आना पॉसिबल है बिना गवर्नमेंट के इंटरफेयर किए। लेकिन बच्चों इतना भी पॉसिबल नहीं होता। देखिए आप दो तीन बातें इसमें जो हमने एजम्पशन ली है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर रहे। देखिए सबसे पहले तो उन्होंने क्या माना है कि पार्टी जो है वो कम है इसलिए बार्गेनिंग कॉस्ट कम होती है, लेकिन आप जानते हैं कि बार्गेनिंग कई बार जो नुकसान होता है वो कई पार्टीज़ को होता है, और जब कई पार्टीज़ को नुकसान होगा तो बार्गेनिंग करना पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर के बाहर कोई कूड़ा जलाता है, तो अगर केवल आपका घर है और कूड़ा जलाने वाला केवल एक है तो बार्गेनिंग करना बड़ा आसान है। आप उससे बोलोगे भाई तुम कूड़ा जला सकते हो, बल्कि इसके बदले मुझे आप कंपनसेशन दोगे। लेकिन अगर बहुत सारे फैमिलीज हैं, मान लीजिए 100 फैमिलीज हैं, तो उसका मैं बार्गेनिंग करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो, और दूसरा ये पता करना कि कितना प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है वो भी बड़ा मुश्किल काम है। तो इसका मतलब हम थ्योरिकली तो कह सकते हैं कि इस थ्योरम के बारे में, लेकिन गवर्नमेंट के चांसेस हमेशा बने रहेंगे, यानी कि जो प्राइवेट रिस्पॉन्स है उसके साथ साथ हमें पब्लिक रिस्पॉन्स में भी जरूरत पड़ेगी। तो उसका मैं किस तरीके से ये पूरी थ्योरी काम करेगी वो हम अगली वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।